तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है ज्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ज्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और बेटा हम कहते हैं अब क्या होता है ज्यूरिंग नाइट, ज्यूरिंग नाइट, ज्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस बहुत कम होती है, ठीक है बेटा, ज्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस बहुत कम होती है। इसको रिलीज आउट किया जाता है कहां पे बेटा, एनवायरमेंट के अंदर, किससे बेटा, स्टोमेटा से, थ्रू स्टोमेटा। उसके बाद हम बेटा कहते हैं एक्सेसिव वाटर प्लांट्स में, जब क्या होता है बेटा एक्सेसिव वाटर, प्लांट के लिए वाटर जरूरी है, मगर जब प्लांट के अंदर वाटर ज्यादा होता है, इस वाटर को बेटा हम बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, आइए आइए, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, किससे बेटा, ट्रांसपायरेशन से, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हम किसे बोलते हैं बेटा, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा और क्यूटिकल, ये मैं लिख के यहां रखूंगा, लॉस ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा, या बेटा हम कहते हैं स्टोमेटा के बगैर क्यूटिकल से भी या लेंटिसल से भी, क्यूटिकल एंड लेंटिसल, क्यूटिकल एंड लेंटिसल, ठीक है बेटा, इन सारे चीजों से। और एक प्रोसेस है बेटा गटेशन, उसको हम क्या कहते हैं, हाँ ना आज वन गोबर शाहनम अक्सर आज टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, आज अक्सर सुबह लीव्स के ऊपर वाटर के ड्रॉप्स देखते हैं, गटेशन, क्या गटेशन, डेफिनेशन में लिखूंगा ब्रैकेट में गटेशन की, लॉस ऑफ वाटर, हाँ लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर एज वाटर ड्रॉपलेट्स, लॉस ऑफ वाटर एज वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, लॉस ऑफ वाटर एज वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यूरिंग, ज्यूरिंग नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग, ज्यूरिंग नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग, ये बेटा ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, डिफरेंट होता है। वहां आप देखो वाटर वेपर्स, यहां क्या कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यूरिंग नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, तो हम कहते हैं ऐसे एक्सेसिव वाटर जाता है। अब बेटा एक्सेसिव वाटर के बाद लीव्स एब्सिशन जिसको हम कहते हैं, एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब है फॉलिंग, एब्सिशन का क्या मतलब है बेटा, फॉलिंग, गिरना, फॉलिंग किसकी होती है, डेड, डेड एंड ओल्डर लीव्स, डेड एंड ओल्डर लीव्स, डेड एंड ओल्डर लीव्स बेटा, ऑटमन समर, ठीक है बेटा, विंटर एंड स्प्रिंग, किस मौसम में लीव्स देते हैं, तो बेटा ऑटम में क्या होता है, एब्सिशन होता है, डेड, डेड एंड ओल्डर लीव्स, एक तो बेटा ये गिरते हैं, ठीक है बेटा, डेड एंड ओल्डर लीव्स, साथ साथ फ्लावर्स मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं फ्लावर्स। इसी तरह बेटा हम कहते हैं किसी प्लांट की बार्क भी जो टूटी हुई होती है वो बेटा गिर जाती है, क्योंकि बेटा इनके अंदर क्या होती है, कंटेनर वेस्ट प्रोडक्ट, कंटेनर वेस्ट प्रोडक्ट, इसीलिए ये गिरते हैं, कंटेनर वेस्ट प्रोडक्ट, ये और एक मेथड है एक्सक्रीशन का प्लांट्स में। उसके बाद है बेटा एक्सक्रीशन बाय स्टोरेज, ये एक्सक्रीशन कैसे भी करते हैं, बाय स्टोरेज, ये कुछ चीजों को स्टोर करते हैं, स्टोरेज, एक्सक्रीशन बाय स्टोरेज, स्टोर्ड, स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स, स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स, स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स इन, बेटा पिछले साल वेक्यूल पढ़ा था, सेंट्रल वेक्यूल, वेक्यूल एज ए, वेक्यूल एज ए सेल ऑर्गन ली, ठीक है बेटा, सेंट्रल वेक्यूल
ऑफ प्लांट सेल, ऑफ प्लांट सेल, ऑफ प्लांट सेल और एज रेजिनस, और एज रेजिनस एंड गम्स, रेजिनस एंड गम्स इन ओल्ड, इन ओल्ड जाइलम एलिमेंट्स, इन ओल्ड जाइलम एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, इन ओल्ड जाइलम एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं ये स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट्स पे वैक्यूल सेंट्रल पोर्शन पे होता है, ये उसमें स्टोर होते हैं, किस फॉर्म में, रेजिन्स के या गम्स के फॉर्म में या ओल्ड जाइलम में ये स्टोर होते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से भी ये एक्सक्रीशन करते हैं। या बेटा लॉस्ट टाइप, ये जो टॉक्सिक एसिड होते हैं, टॉक्सिक एसिड्स, टॉक्सिक एसिड्स प्लांट्स में, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये क्या बनाते हैं बेटा, ये कैल्शियम ऑक्सलेट बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। अब देखिए बेटा, अक्सर उन लोगों को मालूम होगा जिनके घर में बाग है, ये गई बाग है। और देखो बेटा, आप बाग में दवाई करते हैं तो शायद कॉपर या बाकी, किसके लिए बेटा, आप इसलिए करते हो ताकि फ्रूट्स अच्छे हो जाए, मगर ये जो बेटा दवाइयां होती है इनमें क्या होती है, एसिड्स, ये एसिड्स भी स्टोर होते हैं। अब ये कैसे फिर प्लांट से बाहर आएंगे, या तो ये बेटा कैल्शियम ऑक्सलेट पे क्या होते हैं बेटा, ट्रांसफर होते हैं, ताकि प्लांट को क्या मिल सके, कैल्शियम मिल सके, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा टोनोप्लास्ट, आपने कॉन्सेप्ट सुना है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, देखिए बेटा हम कहते हैं ये जो हमने अभी कहा बेटा, ये जो हमने अभी कहा सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल क्या कहा बेटा, सेंट्रल वैक्यूल जो हमने अभी कहा, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, हम कहते हैं बेटा इस सेंट्रल वैक्यूल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है, जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी तरह एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है जो इस सेंट्रल वैक्यूल को प्रोटेक्ट करती है, उसी को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इसके अंदर भी बेटा क्या जमा हो सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा। तो प्लांट्स की एक्सक्रीशन इन चीजों से होती है, प्लांट अपनी एक्सक्रीशन इन तरीकों से करता है, इसके पास स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, इसीलिए हमने कहा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद एक्सेसिव वाटर, उसके बाद फॉलिंग ऑफ लीव्स या डेड टिश्यूज, उसके बाद एक्सक्रीशन बाय स्टोरेज या टॉक्सिक एसिड्स को कैसे ये कन्वर्ट करता है ऑक्सैलिक एसिड में या कैल्शियम ऑक्सैलेट में, इसी तरह नहीं, ये प्लांट में ही रहता है, नहीं ये फिर हार्मफुल नहीं होता है, इसको ये करता है डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई इसको करता है, डिटॉक्सिफाई उसको करता है, क्योंकि ये इसको क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। तो बेटा इस तरह से एक्सक्रीशन कंप्लीट होती है प्लांट्स में। अभी तक गौती कर रही थी ना, अब आप देखो, दे दो तब तक रजिस्टर इधर, जरा बेटा ये रजिस्टर इधर दे दो, हाँ अब कहाँ गौती करती हो, ये सेंटर, 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 ये
लिखा बेटा ये अटेंडेंस करो आप तब तक, जो जो प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट करो, जो जो एब्सेंट है उसको एब्सेंट करो। नहीं ये बेटा है, इसको सबको प्रेजेंट करो। ये बेटा खरी मैथ पढ़ती है उबैद सर के पास, इसके से सर सी प्रेजेंट ये सर रोज आती है। मैं खुद इसमें हैरान था, मैंने फिर सर से कंफर्म किया, सर ने कहा ये खरी मैथ पढ़ती है, बाकी ये कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ती नहीं, यहाँ ये अलग इसका सीबीएसई है, इसका सीबीएसई है। ओल्ड ज़ाइलम एलिमेंट, उसके बाद टॉक्सिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, उसके बाद बेटा हम कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कहते हैं बेटा, ह्यूमन्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है? ह्यूमन्स में एक्सक्रीशन होती है एक ऑर्गन सिस्टम से, एक ऑर्गन सिस्टम से, उसी ऑर्गन सिस्टम को हम बेटा क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन्स में एक्सक्रीशन होती है एक ऑर्गन सिस्टम से, उसी ऑर्गन सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी ऑर्गन सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम या उसको हम बेटा क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम। इसका काम क्या होता है? इट टेक्स पार्ट इन फिल्ट्रेशन। पहले ये क्या काम करता है बेटा? फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन। उसके बाद बेटा कंडक्शन। उसके बाद बेटा टेम्पोररी स्टोरेज, परमानेंट नहीं बेटा, टेम्पोररी स्टोरेज। एंड इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स, एंड इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स एज यूरिन। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इट कंसिस्ट्स ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी। इसके अंदर बेटा किडनी की पेयर होती है। पेयर का मतलब क्या है बेटा? टू किडनीज, ठीक है बेटा। पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरिटर, ए पेयर ऑफ यूरिटर and a urinary bladder and urethra। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये पार्ट्स आते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा ये पार्ट्स आते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये पार्ट्स आते हैं, एक तो बेटा पीयर ऑफ किडनीज, मतलब दो किडनीज, पीयर ऑफ यूरिटेरस, दो ट्यूब्स जो किडनी से निकलते हैं, एंड ए यूरिनरी ब्लेडर, एक ट्यूब जिसके अंदर यूरिन जमा रहता है, एंड यूरिथ्रा, और एक छोटा सा पोर्ट जिसे यूरिन जाता है, ठीक है। तो ये चीजें बेटा हमारे
एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर आती है। ये चीजें बेटा हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर आती है। अब बेटा पहली चीज हम क्या देखेंगे, किडनी। हम कहते हैं बेटा ये जो किडनी है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सक्रेटरी ऑर्गन, मेजर एक्सक्रेटरी ऑर्गन। किडनी क्या है बेटा, मेजर एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। उसके बाद बेटा ये क्या है बेटा, दे आर इन पेयर्स, दे आर वन पेयर, दे आर वन पेयर ऑफ लार्ज साइज़ड, लार्ज साइज़ड रेडिश ब्राउन। कलर कैसा होता है बेटा, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। एंड शेप क्या होती है, बीन शेप। बीन जो पता कहा बना राजमा पुलिस, बीन ना बीन हम कहते हैं ना बीन, राजमा पुट ना ऐसा करे राजमा दाल चला गए क्यों, राजमा उसी को बेटा बोलते हैं बीन, बीन शेप। हाँ बिल्कुल उसी के शेप की बीन शेप। स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अपर एब्डोमिन, प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिन, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिन, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिन कहां प्रेजेंट होती है, एब्डोमिन के ऊपर वाले हिस्से से, अलोंग अलोंग डोर्सल बॉडी वॉल, डोर्सल बॉडी वॉल, बॉडी के डोर्सल हिस्से से। वन ऑन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ, वन ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वन ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। यहां बेटा इसको यहां से वर्टिब्रल कॉलम का सपोर्ट है, एक किडनी यहां से होती है दूसरी किडनी यहां से होती है, सपोर्ट इसको कहां से होता है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम का, ठीक है बेटा। और बेटा हम कहते हैं शेप क्या होती है, बीन शेप, ठीक है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं कन, कन केविटी ऑफ, कन केविटी ऑफ किडनी, कन केविटी ऑफ किडनी कॉल्ड हिलम, कॉल्ड हिलम, डोर्सल, डोर्सल कनकेविटी ऑफ किडनी कॉल्ड हिलम इज ऑलवेज इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्टेड, इनवर्ड डायरेक्टेड। किडनीज आर, किडनीज आर एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल इन पोजिशन। बेटा सिमिट्री पढ़ी है आपने आज तक, सिमिट्री का मतलब है जो इक्वल हाउस में डिवाइड होते हैं। हम कहते हैं किडनीज आर एसिमेट्रिकल इन पोजिशन, पोजिशन के हिसाब से, पोजिशन के हिसाब से ये क्या होती है एसिमेट्रिकल, मतलब सेम पोजिशन पे ये नहीं होती। फिर क्या होता है इनमें, द राइट किडनी, द राइट किडनी, द राइट किडनी being slightly lower in position, being slightly, slightly lower in position, slightly lower in position, slightly lower in position, वो क्या होती है बेटा, slightly lower in position। जो इंटरनल किडनी होती है वो होती है स्लाइटली राइट किडनी, ठीक है, स्लाइटली लोअर इन पोजीशन, ठीक है बेटा। देन द